व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, 15 अगस्त 2017 को हम अपने देश की आज़ादी का 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हर वर्ष 15 अगस्त के दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस दिन में आखिर क्या खास बात थी कि हमें 15 अगस्त 1947 को ठीक रात को 12 बजे ही स्वतंत्रता मिली। तो आइए एक एक करके इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि हमें आज़ादी 15 अगस्त के दिन ही क्यों मिली, 1947 को ही क्यों मिली और ठीक रात को 12 बजे क्यों मिली। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि वर्ष 1947 ही क्यों आज़ादी का वर्ष रहा। तो दोस्तों, गांधी जी के जन आंदोलन से देश की जनता आज़ादी के लिए पूरी तरह से जागरूक हो गई थी और वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेज शासकों के नाक में दम कर रखा था। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के समय पर अंग्रेज़ों की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि बद से बदतर हो गई थी। दूसरे देशों की तो बात छोड़ दें, हम वो अपने खुद के देश में शासन करने में भी असमर्थ हो गए थे। वहीं 1945 के ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने आज़ादी के पूरे द्वार खोल दिए, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आज़ादी देने की बात कही थी। कई मतभेदों और हंगामों के बाद में भारतीय नेताओं की बात लॉर्ड वेवल से शुरू हो गई थी और स्वतंत्र भारत का सपना सच होने की कगार पर था। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइसराय चुना गया, जिस पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्यभार था। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आज़ादी मिलने का प्रावधान किया गया। वाइसराय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू की, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रस्साकसी चल रही थी, तो जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी और जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में भयंकर सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। माउंटबेटन ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और इससे पहले कि हालत और ज़्यादा बिगड़ते और बदतर होते, माउंटबेटन ने निर्णय लिया कि आज़ादी 1948 की जगह 1947 में ही दे दी जाए। तो इस प्रकार वर्ष 1947 आज़ादी के लिए तय हो गया। अब दूसरा सवाल कि 15 अगस्त ही क्यों। तो दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। तो इस कारण से लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते हुए इसे चुना। तब तीसरा सवाल कि रात्रि 12 बजे ही क्यों हमें आज़ादी मिली। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी, तो देश में ज्योतिषियों में खलबली मच गई, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार यह तारीख अमंगल और अपवित्र थी। लॉर्ड माउंटबेटन को दूसरी कई तारीखें सुझाई गई जो शुभ थी, लेकिन वो 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते हुए उस पर अडिग थे। खैर, इसके बाद ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात्रि 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से अगला दिन 12 AM पर यानी रात्रि 12 बजे शुरू होता, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय होने पर ही अगला दिन माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नेहरू जी से यह भी कहा कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में 11:51 रात्रि में
और 12:39 रात्रि में ही समाप्त कर देनी होगी। इसमें एक और शर्त यह भी थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच ठीक रात को 12 बजे ख़त्म कर देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा जो एक नए देश के जन्म की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हमें 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आज़ादी मिली। आशा है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपको स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2017 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।